हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। तो भाई आज जो हम कार रिव्यू करने जा रहे हैं वो है किया सेल्टोस HTX। HTX प्लस नहीं, सिर्फ और सिर्फ HTX। और यहाँ पे आप देख सकते हैं IVT, मतलब ये पेट्रोल का वेरियंट है और साथ में ऑटो। जब हम इसी कार का रिव्यू करने जा रहे हैं, अगर आपको इस कार की सभी डिटेल्स चाहिए तो बन रहे इस वीडियो में। स्टार्ट करें सबसे पहले फ्रंट में, तो यहाँ पे आपको सेम HTX प्लस वाला जो लाइटिंग और ग्रिल्स वाला सिस्टम है वही आपको मिलेगा इसमें सारा जो आपका है। और अगर हम बात करें तो आपको मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आपको सारे DRLs मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको 4 LED लैंप्स मिलेंगे, जो कि 2 चलते हैं आपके उस पर लो बीम पे और 2 चलते हैं हाई बीम पे। यहाँ पे आपको मैट्रिक्स स्टाइल वाला आपको जो मिलेगा इंडिकेटर्स, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। टाइगर नोब वाली आपको यहाँ पे ग्रिल्स मिलेगी, और यहाँ पे आपको कोई फ्रंट सेंसर का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको कोई भी फ्रंट सेंसर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको आइस क्यूब्स वाले आपके वही मिलेंगे फॉग लैंप्स। अगर हम साइड में बात करें तो यहाँ पे आपको सेम 17 इंचेस के ही आपको अलॉय व्हील्स मिलेंगे जो HTX प्लस में मिलते थे। और यहाँ पे आपको जो वही ऑटो फोल्डिंग वाले जो आपके इंडिकेटर्स मिलते थे वही मिलेंगे। मैं सबसे पहले अनलॉक कर लेता हूँ कार को, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रोम भी मिल जाएगा, ये क्रोम डोर हैंडल्स भी मिल जाएंगे। अगर हम राइट हैंड साइड में बात करेंगे तो यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएंगे। और अगर हम बैक से बात करें तो कोई भी ज़्यादा चेंज नहीं है, सेम ही है। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये आफ्टर मार्केट ही लगा हुआ है, एजेंसी से ही लगा हुआ है मतलब, पर वैसे आफ्टर मार्केट है। अब हम चल लेते हैं इंटीरियर में और करते हैं बात। तो वैसे अगर हम बात करें इंटीरियर में तो आपको कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं मिलेगा HTX में और HTX प्लस में। और अगर कोई ज़्यादा मेजर चेंज है तो यहाँ पे जो इसकी सीट्स हैं वो आपको वेंटिलेटेड नहीं मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे ना कोई ऑप्शन है, खाली बटन है, यहाँ पे सिर्फ वेंटिलेटेड सीट्स का यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ना ही आपको यहाँ पे जो मैनुअल आप मैनुअल कह रहा हूँ आपके जो ऑटोमेटिक जो सीट्स होती हैं ना, उनको कोई ऑप्शन मिलेगा। आपको यहाँ पे मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स मिलेंगी। यहाँ पे जो आपको पैटर्न मिलेगा वो आपको ऐसे लगेगा कि वेंटिलेटेड सीट्स वाले हैं, पर ये है आपकी सिंपल जो आती है वही है। और इस कार में जो मैट्स इंस्टॉल्ड हैं ऑटोफॉर्म के और सीट कवर्स की, तो कोई ऐसी नीड है ही नहीं इस कार में। और अगर हम साउंड क्वालिटी की बात करें तो बहुत ही बढ़िया साउंड क्वालिटी है, बॉस से कंपैरिजन करें तो कोई मतलब है ही नहीं उसका। और यहाँ पे आपको जो वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट है वो यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है। आपको ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 12 वॉट का सॉकेट मिलेगा। सॉकेट भी क्या मतलब, आपको सॉकेट है और यहाँ पे आपको सिर्फ USB का प्लग इन वाला सिस्टम मिलेगा। ये जैसे कि मैंने आपको बताया है ये ऑटोमेटिक है, तो इसका जो ट्रांसमिशन है बहुत ही बढ़िया है। हम इस कार को कर लेते हैं स्टार्ट। और इसकी जो नॉइज़ है इंजन की बिल्कुल भी कैबिन में नहीं आती, तो हम सीट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया मैंने। और मैं ड्राइव मोड पे कर दी और मैं करता हूँ इसको ड्राइव। तो इसमें जैसे गियर्स ट्रांसमिट हो रहे हैं अभी, अब सेकंड हुआ है तो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा थोड़ा सा भी। तो बहुत ही बढ़िया कार है ये वाला जो वेरिएंट है, ये भी बहुत ही बढ़िया है। अगर आप उसको परचेज करना चाह रहे हैं तो बढ़िया है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको जो MID है वो भी आपको सिंपल ये वाली मिलेगी, आपको उसमें फुली डिजिटल MID जैसे मिलती थी वैसी नहीं मिलेगी। और भाई आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी बढ़िया सी वीडियो में। टिल देन बाय बाय।